आदिवासी हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनके कागज का स्थिति देख लीजिए। और इस कागज की छोटी छोटी गलतियों के चलते, कागज जो सरकार आपको बना के देती है, अरे सब कागज तो सरकार ही बना के देती है। आवासीय प्रमाण पत्र घर में बनाते हैं, जाति प्रमाण पत्र घर में बनता है, पासपोर्ट अपने घर में बैठ के छाप लिए हैं, वोटर आईडी सरकार बना के दी है ना। और वही सरकार अगर कागज मांगने पे पड़ जाए, कागज बनवा लीजिए, लेकिन जितना कागज बनवाइएगा, जाइएगा एक दिन मोटरसाइकिल से रमेश चौक पे दरोगा जी धर लेंगे, कहाँ चले यार, कहाँ हीरो, कहाँ है कागज, तो दीजिएगा बेटा। तो आरसी देखते देखते दरोगा जी कहेंगे लाइसेंस, उसके बाद लाइसेंस दीजिएगा, लाइसेंस आरसी दोनों हाथ में लेकर के कहेंगे हाँ ठीक है, इंश्योरेंस कहाँ है, फिर इंश्योरेंस दीजिएगा। अब तीनों कागज देख लिए, अब समझ गए कि कागज निकालिए रहा है। अच्छा ठीक है, तीनों में पोल्यूशन कहाँ है। अरे जो सरकार कागज देती है वही सरकार कागज मांगने लगेगी, कितना कागज बनवाइएगा। और कागज का अनुभव ऐसा होता है कि आपको पता है कि आपके सर्टिफिकेट में गलती है, लगता दूर नौकरी मिल रहा है, जैया नौकरी लगेगा तो कागज में स्पेलिंग ठीक करवा लेंगे। मिला के देखिएगा, दसवां के सर्टिफिकेट में क्या बाबूजी के नाम का स्पेलिंग है, और एमए के सर्टिफिकेट में क्या बाबूजी का स्पेलिंग है। और यह मैं पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं। और इस कागज की छोटी छोटी गलतियों के आधार पर नाम देख के नहीं, मुसलमान लोग या कोई धर्म के लोग, इससे आप चिंता मत कीजिए कि सिर्फ आप ही के साथ बुरा होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल मत डरिए। समाज में जब कोई महामारी फैलती है ना, तो धर्म देख के नहीं फैलता है। डेंगू का मच्छर जो है ना, वो धर्म देख के नहीं काटता है। ऐसा नहीं होगा कि कन्हैया को डेंगू का मच्छर काटेगा तो जो है डेंगू होगा, और कामरान को काट लेगा तो मलेरिया हो जाएगा, उसको भी डेंगू ही होगा। ये हकीकत है देश की, ये बस हमारे मन में डाला जा रहा है। जैसे डाला गया नोटबंदी के वक्त में कि आपको 50 दिन का समस्या है जी, लाइन में लग जाइए, हम लोग भी खुशी खुशी लग रहे थे, अगल बगल टेप फिर रहे थे कि गांव का जो सबसे पैसा वाला आदमी है वो लोग लाइन में आके लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि दिमाग में ये था ना हमारे बड़का पैसा वाला लोग हैं, तो हम लोग बचपन में सोचते थे ना कि बिछौना पे नहीं सोता है, रुपया का गड्डी चौंक करके उसके ऊपर सोता है, ऐसा हमको लगता था। ऐसा लगता था कि इसके घर में जो भूसा रखने वाला घर है, इसमें भूसा नहीं, इसमें पैसा कस करके रखा हुआ है। एको को पैसा आदमी, पैसा वाला आदमी एटीएम के लाइन में हमको नहीं मिला। सब गरीब लोग जो है अपना 500 और 1000 का नोट गुल्लक फोड़ फोड़ के, चुकिया फोड़ फोड़ के, गठरी खोल खोल करके उसको बदलवा रहे थे, इस उम्मीद में कि बड़का लोग परेशान हो रहा होगा, बड़का लोग का पैसा आएगा, और जनधन का खाता चेक कर रहे थे कि हमको भी 15 लाख मिलेगा। नहीं मिला ना, जैसे नहीं मिला वैसे ही एनआरसी के बाद मियां जी का घर द्वार नहीं मिल जाएगा। ये भ्रम में मत रहिए, असल होगा ये कि आपको जो ये कहा जा रहा है कि कागज की गलती के चलते अगर तुम्हारा नाम कट जाएगा तो तुमको सीए के तहत नागरिकता दे देंगे। तो एक कहानी सुन लीजिए, गणेश जी के माथा पर, कंधा पर अपना मुड़ी नहीं लगा हुआ है, हाथी का मुड़ी है, तभी उनको लंबोदर कहा जाता है। लंब जोर उधर बराबर लंबोदर, सूर लगा हुआ गणेश जी का मुरी देखते हैं। तो गणेश जी का मुरी जो है वो हाथी का क्यों है, क्योंकि शिव जी मुरी काट दिए थे गणेश जी का, फिर पार्वती जी गुस्सा गए तो फिर हाथी का मुरी ला करके जोड़ दिए। तो नागरिकता सीए के तहत लेने के लिए आज जो नागरिक है ना, पहले वो नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। हाथी का गर्दन लगाने के लिए पहले अपना गर्दन कटवाना पड़ेगा, और गर्दन जब कटेगी ना, नागरिकता जब जाएगी तो सिर्फ नागरिकता नहीं जाएगी, कान में करुआ तेल डाल करके सुन लीजिए औरंगाबाद के लोग, मेरा नाम कन्हैया है। खाली नागरिकता नहीं जाएगी, नागरिकता के साथ साथ
जो पुश्तैनी जमीन है जिसका हम बोले कि सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, वो बाप दादा का जमीन भी जाएगा, संपत्ति भी जाएगी, वोट देने का अधिकार भी जाएगा, बैंक का खाता भी सील होगा और नौकरी भी जाएगी। ये जो भ्रम में है कि नहीं हमको क्या दिक्कत है, सबको परेशानी उठानी पड़ेगी। इसीलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज, ये पूरा का पूरा कसरत इस देश में घुसपैठियों की पहचान के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि इस देश के जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता का इम्तिहान लिया जा रहा है, इम्तिहान। और जो जो लोग इस इम्तिहान में फेल होंगे उनकी संपत्ति को कब्जा करने की साजिश रची जा रही है, हिंदू और मुसलमान करके इस देश को एक बार फिर से आपस में लड़ाने की साजिश रची जा रही है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यह अपील करने के लिए आया हूँ कि देश एक गंभीर परिस्थिति में खड़ा है, एक गंभीर मोड़ पर खड़ा है। यहाँ हमको धर्म बचाने की नहीं बल्कि इंसानियत और देश, संविधान और तिरंगे को बचाने की जरूरत है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत इस देश के ऊपर 200 साल तक गुलामी किया था, आज उसी तरीके को अपनाते हुए जैसे अंग्रेज हिंदुओं के मंदिरों में गाय का मांस फिकवाते थे, मुसलमान के मस्जिदों में सुअर का मांस फिकवाते थे और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा करके राज करते थे, ये जो आज के अंग्रेज हैं ये हमारे साथ यही साजिश रचने के लिए तैयार हैं। इसीलिए औरंगाबाद की इस भूमि से, मगध की इस भूमि से इस देश की सरकार को हम कहना चाहते हैं कि यह सरकार अगर तुम आज के अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो तो हम आज के अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल बनने के लिए तैयार हैं। इस बात को याद रखिए। बोलिए आप लोग इस लड़ाई में हमारे साथ हैं कि नहीं है, सब लोग साथ हैं ना। तो ये लड़ाई किसी को नेता बनाने की लड़ाई नहीं है बल्कि देश बचाने की लड़ाई है। आप तमाम लोग अगर हमारे साथ हैं तो आप 27 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आइए। आएंगे कि नहीं आएंगे? सब लोग आएंगे ना। जनता झूठ नहीं बोलती है। मैं भी नेता की तरह नहीं आपका बेटा की तरह ये वादा करता हूँ, ये सरकार कहती है कि एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, एक इंच तो क्या पूरी जमीन इनको छोड़ करके जाना पड़ेगा। अपने अधिकार को हम बचाएंगे, अपने हक को हम बचाएंगे, अपने संविधान को हम बचाएंगे। और ये जो कहते हैं कि हम NPR लागू करेंगे तो इनको हम कह देना चाहते हैं कि NPR बिहार की धरती पे नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा NPR, हमें चाहिए रोजगार। इस नारे के साथ आप हैं कि नहीं है? तो NPR को रोकेंगे ना? तो NPR को रोकने के लिए हम पटना के गांधी मैदान में जमा होंगे और बिहार की सरकार से अपील करेंगे कि यह सरकार आप NPR के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कीजिए। अगर आप पास नहीं करेंगे तो हम गोडसे को नहीं गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम इसके खिलाफ सविनय अवज्ञा करेंगे जैसे गांधी ने नमक कानून के खिलाफ किया था। और NPR को हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम मिलकर के लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।